आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि शिमला में हुई पुलिस कर्मियों और मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एक और मजदूरों और आशा वर्करों की मांगे सरकार पूरा नहीं कर रही है, वहीं दूसरी ओर जब यह लाचार मजदूर अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बल प्रयोग कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द मजदूरों की मांगे पूरी करे। हिमाचल की राजधानी शिमला में जयराम सरकार द्वारा जो हिमाचल के विभिन्न विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सारे कर्मचारी जो आज शिमला में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, आज जयराम सरकार ने उनके साथ जो क्रूरता का व्यवहार किया है, आम आदमी पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो आज जयराम सरकार ने बजाय कि उनकी समस्याओं को सुनने, बजाय कि उसकी समस्या का हल करने, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, बेबर्ता का उन्होंने अपना परिचय दिया है। आम आदमी पार्टी इन सभी बीजेपी सरकार की और जयराम सरकार की कृतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करती है और जयराम सरकार से मांग करती है कि बहुत जल्द इन सभी कर्मचारियों की जायज मांगों को माना जाए। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।